इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम मुहर्रम है। मुसलमानों के लिए ये सबसे पवित्र महीना होता है। इस महीने से इस्लाम का नया साल शुरू हो जाता है। मुहर्रम माह के 10वें दिन यानी 10 तारीख को रोजाए अशूर कहा जाता है। इन दिनों को इस्लामिक कैलेंडर में बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। इसलिए इस माह को गम के महीने के तौर पर मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में ही ताज़िया और जुलूस निकाले जाते हैं। ताज़िया निकालने की परंपरा सिर्फ शिया मुस्लिमों में ही देखी जाती है, जबकि सुन्नी समुदाय के लोग ताज़ियादारी नहीं करते हैं। मुहर्रम माह के 10वें दिन ताज़ियादारी की जाती है। बताया कि इराक में इमाम हुसैन का रोजाए मुबारक दरगाह है, जिसकी हूबहू कॉपी शक्ल बनाई जाती है, जिसे ताज़िया कहा जाता है। ताज़ियादारी की शुरुआत भारत से हुई है। तत्कालीन बादशाह तैमूर लंग ने मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के रोजाए दरगाह की तरह से बनवाया है और उसे ताज़िया का नाम दिया गया है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में ताज़ियादारी की जाती है। शिया उलमाओं के मुताबिक मुहर्रम का चांद निकलने से पहले तारीख को ही ताज़िया रखने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर उन्हें 10 मुहर्रम को करबला में दफन कर दिया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना का साया है, ताज़ियों का जुलूस नहीं निकलेगा। ताज़िया जुलूस में अपने लोगों को काले कपड़े पहनकर मातम मनाते हुए देखा होगा। इस दौरान लोग करतब दिखाते हुए स्वयं को लहूलुहान कर लेते हैं। ताज़िया जुलूस में लोगों को या हुसैन हम न हुए कहते हुए सुनते हैं। आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस्लाम धर्म के पवित्र मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नामक शख्स का दौरा था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही वारिस के रूप में यजीद, जिसमें अभी अवेगन मौजूद थे, वह शाम की गद्दी पर बैठा था। यजीद चाहता था कि उसको गद्दी पर बैठने की पुष्टि इमाम हुसैन करें, क्योंकि वह मोहम्मद साहब के नवासे हैं और उनका वहां के लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव है। यजीद जैसे शख्स को इस्लामी शख्स मनाने से हजरत मोहम्मद के घराने ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि यजीद के लिए इस्लामी मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। मानने से इनकार करने के साथ ही उन्होंने यह भी फैसला लिया कि अब वह अपने नाना हजरत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़ देंगे, ताकि वह अमन कायम रहे। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद का फौज उनको काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्त रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के एवज में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए, लेकिन यजीद फौज ने इमाम हुसैन के तंबू को फुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्होंने नदी से पानी लेने की इजाज़त तक नहीं दी। इमाम जंग का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि उनके काफिले में केवल 72 लोग शामिल थे, जिसमें 6 माह का बेटा, उनकी बहन, बेटियां, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। यह तारीख एक मुहर्रम थी और गर्मी का वक्त था। गैर तलब हो कि आज भी इराक में गर्मियों में दिन के वक्त सामान्य तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा होता है। 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितने खाना और खासकर पानी था वह ख़त्म हो चुका था। इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालते रहे। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन परिवार के मेंबर और अन्य भूख प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की तरफ से एक एक करके गए हुए शख्स ने यजीद की फौज से जंग की। मारे जा चुके थे। तब असर दोपहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन खुद गए और वह भी मारे गए। इस जंग में इमाम हुसैन का एक बेटा जैनुल आबदीन जिंदा बचे, क्योंकि 10 मुहर्रम को वह बीमार थे और बाद में उन्हीं से मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। इस कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। करबला का यह वाकया इस्लाम की हिफाजत के लिए हज़रत मोहम्मद के घराने के तरफ से दी गई कुर्बानी है।